जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिला न्यायालय अमृतसर की वैकेंसी के बारे में, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अमृतसर में क्लर्क के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि वैकेंसी क्या है, किस प्रकार की वैकेंसी है, इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारी चीजें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जिनके बारे में वीडियो बनाना आवश्यक होता है, क्योंकि क्या होता है कई बार कैंडिडेट्स को पता नहीं होता है और वो बाद में अप्लाई कर देते हैं, फिर बाद में उनको लगता है कि शायद मैं इस वैकेंसी में अप्लाई ना करता तो ठीक था। तो आज की वैकेंसी में हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि इस वैकेंसी से रिलेटेड है, तो उनके बारे में आप लोग जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आप लोग इस वैकेंसी में अप्लाई करने का निर्णय लेना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिला न्यायालय अमृतसर में टोटल 54 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है जो कि क्लर्क के पदों के लिए वैकेंसी है, ठीक है, जिसमें जनरल के 11 पद है, SC ST के 12 है, OBC के 17 है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 5 पद है, और एक्स सर्विसमैन OBC के लिए 1 पद है, एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 6 पद है, और एक्स सर्विसमैन SC के लिए 1 पद है। टोटल 54 पद हो गए कुल मिला के, ठीक है। और दोस्तों जो वैकेंसी है इसमें एप्लीकेशन मोड की बात करें तो आप लोग केवल ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ऑनलाइन माध्यम से कोई फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। और दोस्तों इस वैकेंसी में जो अप्लाई करने का फीस है वो जनरल OBC SC ST एक्स सर्विसमैन फिजिकल हैंडीकैप मतलब सभी के लिए निःशुल्क है, इसमें आप कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं देना है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। और दोस्तों इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। जो एज की बात करें तो 18 से 37 साल इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया है, और जो आपकी एज की गणना है वो 1 जुलाई 2024 तक की जाएगी, मतलब 1 जुलाई 2024 तक आप 18 से 37 के बीच में होने चाहिए, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। OBC SC ST को जो पंजाब गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन रूल होता है उसके अनुसार इसमें छूट दी जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा, इसमें कोई भी आपकी लिखित परीक्षा नहीं होगी, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। बात करें इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें ग्रेजुएशन पास होना चाहिए प्लस आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना अनिवार्य है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब जो सबसे मुख्य बात है इस वीडियो की कि जॉब टाइप, ये जॉब किस प्रकार की है, तो मैं आपको बता दूं ये जॉब एडहॉक बेस पर है। अब यहाँ पे बात आती है कि एडहॉक बेस होता क्या है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स होते हैं अप्लाई तो कर देते हैं मगर उनको पता ही नहीं होता कि एडहॉक का मतलब होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, एडहॉक की जो जितनी भी जॉब आती हैं ये रेगुलर भी होती हैं, टेम्परेरी भी होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये कोई पोस्ट होती नहीं है, मगर किसी सरकारी विभाग को या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अभी रिसेंट में किसी वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है, तो मतलब वो लोग उस वैकेंसी के लिए एक पद बनाते हैं और उसका तुरंत हायरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट आपको चाहे तो 6 महीने भी रख सकती है, 1 साल भी रख सकती है, 5 साल भी रख सकती है, या फिर उनकी गवर्नमेंट जितने साल उस राज्य पे रहेगी वो उतने साल रख सकती है, या फिर आने वाली गवर्नमेंट अगर आपको एक्सटेंड करती है तो आप आगे वाली गवर्नमेंट में भी काम कर सकते हैं। मतलब यह रेगुलर है बट पूर्ण रूप से ये अस्थायी वैकेंसी है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट अपने आवश्यकता के अनुसार इस वैकेंसी को भरती है और जब तक उनको आवश्यकता होती है तब तक इसमें आपको वो रखती है, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एडहॉक, ठीक है, तो मतलब ये एडहॉक और रेगुलर बेस पर वैकेंसी है। अब बात आती है सैलरी, तो इसमें सैलरी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, ठीक है, तो सैलरी आपको ज्वाइनिंग के बाद पता चल जाएगी, ठीक है। बात करें डॉक्यूमेंट्स की, कि जो लोग इस वैकेंसी में बहुत ही इच्छुक हैं, ठीक है, जो लोग बिल्कुल इसमें अप्लाई ही करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं आपके पास इस वैकेंसी के सभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट होने चाहिए, मतलब हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन के मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, डोमोसाइल आपका होना चाहिए, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, और एक फोटो भी आपको इसी फॉर्म के साथ अटैच करना है, फॉर्म तो एक तो चिपकाना है और एक फोटो आपको अलग से इस फॉर्म के साथ भेजना है, आधार कार्ड आपका इसमें अनिवार्य है, आधार कार्ड आप लगा देना, ठीक है। दोस्तों ध्यान रहे आप लोग जितने भी डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, मतलब स्वयं प्रमाणित डॉक्यूमेंट्स ही आप लोग इस फॉर्म के साथ लगाएं। उसके बाद फॉर्म भरते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, ठीक है, अगर आप लोग वो सावधानियां बरतते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आसानी से आ जाएगी। जैसे कि आपको कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल बड़े अक्षरों का प्रयोग करना है, आपको स्मॉल लेटर का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो फॉर्म में कोई कटिंग नहीं करना है, फॉर्म में कोई ओवरराइटिंग नहीं करना है, और फॉर्म में आपको व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, इस चीज को ध्यान रखना। और दोस्तों सबसे मुख्य बात कि इस वैकेंसी में आपका कोई भी कॉल लेटर
मतलब इशू नहीं किया जाएगा, ठीक है। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने भेज देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग की जाएगी, उसके बाद एक लिस्ट निकाल दी जाएगी, इतने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं और इनका इंटरव्यू उस तारीख को होगा, तो आप लोग जाके उसके लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। अब बताती है कि आपको इसके इंटरव्यू की लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी, तो दोस्तों आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अमृतसर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है amritsar.dcourts.gov.in, इस वेबसाइट पर आप लोग रेगुलर विजिट करते रहे। जैसे ही इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट है 12 अगस्त 2024, उसके 5 से 7 दिन के बाद इस वैकेंसी के लिए जो शॉर्ट डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट की सिलेक्टेड लिस्ट होगी वो आ जाएगी। वैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इस वैकेंसी का जो सिलेक्टेड लिस्ट होगी तो 12 अगस्त के बाद मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग नीरज गुरु जी के नाम से सर्च कराएंगे तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसी चैनल पर आप लोगों को इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन, और प्लस जब इस वैकेंसी की आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी तो मैं उसी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग वहां पे जाके देख लेना, ठीक है। अब बात आती है कि आपको फॉर्म किस पते पर भेजना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा ध्यान दें, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, अंजला रोड, अमृतसर 143001, पंजाब, ठीक है। इस पते पर आप स्वयं जाकर, ठीक है, या फिर डाक के माध्यम से अपना फॉर्म भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को अपना ये सारा फॉर्म भरना है और 12 अगस्त के पहले पहले स्वयं या फिर डाक के माध्यम से भेज देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी जिला न्यायालय अमृतसर में जो क्लर्क के 54 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है उससे संबंधित। आशा करता हूँ आप लोगों के इस वैकेंसी से संबंधित सभी डाउट्स दूर हो गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग 12 अगस्त के पहले पहले इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी, बाकी अगर आपको और कोई डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड या फिर अदर किसी और वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट के जवाब जरूर दूंगा। बाकी अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।